want my money back! इस बार क्लियर नहीं किया तो क्या हुआ, अगली बार कर लूंगी। अब अगली बार अब आयरलैंड जाके ही होगा। मुझे नहीं जाना है सारे, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ अकेले रहकर तुम कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकती। उतारा, मैं अकेले कहाँ, वो सब लोग है ना मेरे साथ। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर तुम्हें फेल कराया। तुम बार बार सबको ब्लेम क्यों कर रहे हो? अगर इस बार क्लियर नहीं किया तो 6 महीने बाद दे दूंगी एग्जाम। हाँ, लेकिन 6 महीने तुम अब यहाँ नहीं रुकोगे। अच्छा, फिर कहाँ रहूंगी? अपनी मम्मा के पास जाओगी, एग्जाम्स की तैयारी तुम वहीं करोगी। अब इसके लिए मुझे घर से निकाल रहे हो? तुम जो भी समझो, तुम्हें एग्जाम हर कीमत पर पास करना है और वो इस घर में रहते हुए नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ। अरे अभी क्यों चली जाती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे सारे मतलब ना मुझे अच्छे से समझ आ रहे हैं। अरे तुम अकेली क्या करोगी वहाँ पर अभी यार? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसका प्रॉब्लम है? Hi guys, this is Rumi Malik, और ये है हमारी छोटी सी जन्नत। ना यहाँ पे बिल है, ना सिन है, ना मिल है, ना पिल है, तो ऑल इन ऑल नो इन लॉज। तो मतलब इतना सारा टाइम होगा, मैं इतनी सारी व्लॉगिंग करूंगी आपके लिए। सी, ये हमारा छोटा सा लाउंज है, क्यूट सोफा एंड द किचन इतने मजे का है। इसमें हॉट प्लेट भी है, माइक्रोवेव भी है। इवन तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो इतनी फूड डिलीवरीज कराएंगे, कोई हमें रोकने वाला ही नहीं है। स्वीटू, तो अपने फैंस के लिए कुछ कहोगे? हाँ, ये मेरे लिए जन्नत नहीं, जान लो। मैं जिनसे मोहब्बत हो, क्या वो इतनी आसानी से फरामोश हो सकते हैं? जी, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए बाज दफा इनकी यादों को साइड में रखना पड़ता है। वाह भाई, कौन है वो जिसने इतनी गहरी याद को साइड करवा दिया? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि चाय बनाने की जिम्मेदारी मुस्तकिल किसी को सौंप ही दूं। तो कोई मिला? जी नहीं, इतनी भारी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी 1-2 साल की बच्ची के साथ। अरे मैं लूंगी ना जिम्मेदारी। जी, बोलो। तुम कहां से ढपके हो? आसमान से। अंदर कैसे आए? कहाँ, घर में या तुम्हारे दिल में? मैं घर की बात कर रही हूँ। अरे मैं वहां से, पहले छोड़ो यार, ना सच्ची से बोलो, मुझे जरा ब्लैक कॉफी तो दे दो। अब तुम्हारी ब्लैक कॉफी के लिए मैं ना सच्ची को तो यानी बुला सकती। क्या हुआ? पागल चल गया, दिख नहीं रहा तुम्हें? अरे कोई क्रीम पड़ी है यहाँ पे, मुझे क्या पता। रूमी, मैं कह रहा था नहीं होते, सिर्फ घर पे चची बना लेती पराठा। और कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम जाने भाभी को कॉल करो ना। अरे और फजूल में मैं तुम्हारे लिए पराठे बना रही थी, अकेले ऐसे आ। सही हो? नहीं। अरे यार, मन्नू को मैं संभाल लूंगा, क्या मेरी चाय की जिम्मेदारी आप ले लेंगी? सोचूंगी। देखें, मैं आपके घर के बाहर से हटूंगा नहीं जब तो आप जवाब नहीं देंगी। जवाब ही तो नहीं देना चाहती। इसका मतलब मैं हाँ समझू? हाल देखा है घर का आप लोगों ने? तो तुम समेट लो, तुम्हारे हाथ कौन से टूटे हुए हैं? सॉरी भाई, इन हाथों से कभी अम्मी और चचियों ने ऐसे काम नहीं करवाए, मैं बाहर की जिम्मेदारियां संभालूंगा। हाशु, यहाँ पे चचीज नहीं है ना, तुम दोनों को सारे काम मिलजुल कर ही करने होंगे। भाभी, ये मिलजुल के रहने की जो साइंस की अहमियत है ना, ये अक्सर लोगों को बाद में जाके समझ आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घरों में जो घने सायेदार दरख्तों जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी मोहब्बत भरी छाओं का नजा हमें प्रैक्टिकल लाइफ की धूप में जाके ही होता है। रूमी, चलो किसी ने तो ये बात सीखी। क्या हुआ, आप हाशु और चांद भैया को लेके परेशान हो रहे हो ना, उदास हो रहे ना? मैं क्यों उदास होने लगा? आप चांद भैया को कॉल कर लेना कि वो आ जाए वापस। कोई उसको कॉल नहीं करेगा, तारा परेशान है, कुछ दिन उसको वहां रहने दो।
ये मास्टर तुम्हें क्यों बार बार कॉल कर रहा है? पता नहीं। नंबर तो बिजी जा रहा है। हाँ बिजी जा रहे, छोड़े ना, पता नहीं। आ गया। माला कैसी हैं आप? कल रात से तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या वाकई आप सारी जिंदगी के लिए मेरी चाय बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं? माला दोनों का चाय का ढाबा बनाने का इरादा है? एक मिनट, कहीं नहीं जाओगी तुम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो, मैदान छोड़कर भागो नहीं। बाजा ना गलत समझ ले, वो अपना क्या? मैंने तो बस इतना कहा था उसे कि अपने बारे में भी सोचे जरा। तो उसने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया? नहीं, उसने कहा कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन वो तो चाय की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। बाबूजान ऐसी बातें तो बंदा घुमा फिरा के करता है ना, डायरेक्टली थोड़ी करता है। तुम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ो और मुझसे टू द पॉइंट बात करो, हुआ क्या, क्या बात है? बाबूजान इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ा खुद भी समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुमने उसको प्रपोज कर दिया? तो क्या हुआ, लड़कियां प्रपोज नहीं कर सकती क्या? नहीं बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिर डंके की चोट पे करें ना। प्यार किया तो डरना क्या? ये ले, डंके की चोट पे कहती हूँ, मैंने उसके सेमी प्रपोजल का फाइनल जवाब दिया था। बेटा ये तुम्हारा फाइनल सेमी फाइनल तुम्हारी चाचियों ने सुन लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। बाबूजान आप ज्यादा महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ना बने, आप बताएं आपको तो कोई एतराज नहीं? बेटा बच्ची को तुमने संभालना है, चाय तुमने बनानी है, वो भी दिन में कम से कम 40 दफा, तो भला मुझे क्या एतराज होगा? बाबूजान कितने क्यूट है आप, थैंक यू। अभी भी सोच लो, मतलब काफी ज्यादा चाय पीता हो। डराई नहीं मुझे। अब बच्ची को संभाल लोगी, तुम तो खुद अभी बच्ची हो। मैं हूँ माला, उतार सकती हूँ सबके दिमाग का जाला। अच्छी क्या चीज है, बास्केटबॉल किससे खेलोगी? चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही है, चलो तुम दोबारा बनाओ, ये तुम्हारी रिहर्सल हो जाएगी प्रैक्टिस। यार आज कितना मजा आया ना पार्क में। अब रोजाना जाया करेंगे। ठीक है। इतने बुरे मुंह के साथ क्यों बोल रही हो? मेरी शक्ल ही ऐसी है, तुमने पहली बार नोटिस किया। आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा आपके लिए, इस शक्ल को चेंज कर दूंगा देखना। अस्सलाम वालेकुम सच्ची। अरे मैं क्यों खफाऊंगी आपसे? मैं भी आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बताया कि नहीं आपने फोन करके पहले मुझे? चाची लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है, कुछ भी हो उनकी शरारतें अपनी जगह, लेकिन आपने ख्याल रखना नहीं भूलना अपना। अच्छा ये बताएं घर में सब लोग कैसे हैं? और सलीम चाचा? अच्छा बस मैं अभी नाश्ता करने ही जा रही थी। आइए डॉक्टर साहब प्लीज।
डॉक्टर साहब ये ऑमलेट इंजीनियर चांद ने आपके लिए डिजाइन किया है, थोड़ा सा नक्शे में टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर ये टेस्ट में बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके लिए बड़े प्यार से बना। थैंक यू। तुम खाओ ना। हाय, ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब देखे थे मैंने, छोटा सा घर हो, मैं हूं और तुम हो। चलो किसी के तो ख्वाब पूरे हो रहे हैं। आज शाम को फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, लेकिन तुम घर चक्कर जरूर लगा लेना, चाचीज बहुत मिस कर रही हैं तुम्हें। ये तरह जब बात मेरी और तुम्हारी हो रही होती है, चचीज बीच में कहां से आ जाती है? सारे खुश रहने के लिए एक रिश्ता काफी नहीं होता, बाकी रिश्तों को माइनस किए बगैर भी हम खुश रह सकते हैं। अच्छा तुम ब्रेकफास्ट करो, छोड़ो। जैम लगाओ। माला ने अपना नंबर क्यों बंद कर लिया? आई लव यू। मी टू। तो फिर चले आयरलैंड। I promise मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सारिन तुम एक ही बात बार बार करते करते थकते नहीं हो? तुम मुझे बार बार इनकार करते करते थकती नहीं हो क्या? इतना कुछ तो कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार, और तुम मुझे फॉर्मल वे में थैंक यू बोल के जान छुड़ा लेती हो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं। तारा मुझे कोई बात अगर जबरदस्ती मनवानी होती तुमसे तो तुम इस तरह मेरे सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा बताओ क्या करूं मैं? वही जो मैं चाहता हूँ। मेरी चाह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारे आगे। वही तो कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो इतने दिनों से। तुम हनीमून पे नहीं गई, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बात अहम है तो सिर्फ मेरी फैमिली यार। सारे मगर तुम्हारी फैमिली अहम है तो उसका रीजन तुम ही हो। इतनी तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है? अच्छा अगर रीजन मैं हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करके मेरी फैमिली को क्यों फोकियत देती हो? सारे मैंने कब किया इग्नोर तुम्हें? हाँ बोलो सर। अच्छा काम करो, पेशेंट को तो मोटी में शिफ्ट करो। बस मैं आ रही हूँ। बच्ची से कुकिंग कराने की? और क्या मनोज शर्मा उतरेगा इसके लिए आसमान से? लास्ट बार ढंग का खाना घर पे ही खाया था मैंने अम्मी। क्या? तुमने रात को खाना नहीं खाया? होम डिलीवरी करवाई जिसकी वजह से पेट खराब हो गया। कॉल किया आप लोगों को टेंशन में और क्या करता? बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों घर चलो, कैसे होगा इस बच्ची से इतना सारा काम? नो थैंक यू आंटी, मैं कर लूंगी मैनेज। कैसे करोगी मैनेज बेटा, तुम्हारा हाथ जला हुआ है, देखो लाल पड़ा हुआ है। सब कुछ हो जाता है आंटी, बस अपने बेटे से कहें थोड़ा सब्र दिखाए। इतनी सी बात पे पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके रख दिया इसने। चलो नास उठो चलते हैं। बेटा ये खाना रखा है तुम दोनों का। अम्मी सॉरी इसकी तबीयत खराब है इसलिए ना। तो तुम्हें कुछ चाहिए हुआ तो बता देना, मैं मतीन के हाथ भिजवा दूंगी तुम्हें। जी चाची। मुझे समझ नहीं आता आजकल की लड़कियों का खाना बनाकर हाथ क्यों जल जाता है। छोड़े ना सफू भाभी, वो बच्ची है, कम अकल है, बेवकूफ है। इतनी बेवकूफ है कि अपने आराम से शौहर को यहाँ से निकाल के ले गई। ये बात नहीं है सफू, मैंने खुद उनको अलग किया है। रहने दे बाबू भैया, मैं आपको जानती नहीं क्या? जान अटके रहती थी आपकी हाशू में,
हाँ बाबू भैया, आपने हमेशा उसको आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दिया है, हमेशा। उन्हीं फेवर्स का तो नतीजा है कि आज चट्टान पर बच्ची ने मुंह भर के कह दिया हमें इतना कुछ। ओ चंद भी आ गए। अब इसको देख लो, ये भी आया है तो 48 घंटे के बाद शक्ल दिखाई है इसने, और वो भी जब तारा से सिफारिश कराई है। तो क्या करूं मैं, आपकी घुटनों से लग के बैठा रहूं क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये तुम अपनी चची के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूँ भाऊजान, जब से मेरी शादी हुई है तारा 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 मेरे बारे में सोचता ही नहीं है कोई। यार तुम ये वाले तारे देखो, ये तरीका बात करने का, अच्छा बढ़ते जा रहे हो तुम। भाऊजान, भाऊजान, भाऊजान आप क्या कर रहे हैं? चांद भैया आप जाए यहाँ से भी प्लीज। चला जाऊंगा, आप सबकी जिंदगी से चला जाऊंगा। बच्चों की वजह से गुल्लो के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। घर में ऑफिस बनाया ताकि ये मेरी नजरों के सामने रहे, और ये लोग। पापा भैया कुछ भी है, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम बस बहुत घूमती रहो, बेड्रेस मत करना, फिर कहते हो तबीयत खराब हो गई। क्या करते बाला मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही? क्या चल रहा है इसके दिल और दिमाग में? चलो मास्टर साहब, ट्यूशन के बहाने जाके पता करते हैं। चांद भाई मेरी बात सुनो। चांद भाई क्या कर रहे हो यार, अकल से काम लो। जा रहा हूँ यहाँ से। अब तुम्हें पता भी है कि हम लोग ऑलरेडी रूमी की वजह से परेशान है, उसने बदतमीजी की है चाची। तो चाची को क्या जरूरत है उसकी जिंदगी में खामा खा घुसने की? बेटों की शादियां कर दो, उसके बाद ये सोचो कि बेटे और बहुएं सांस भी उनकी मर्जी से लें। लेकिन चांद, हमने तो कभी तुम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पट्टियां तो पढ़ा रहे हैं ना आप तारा को, तभी तुम अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को नहीं। भाई अब आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात कर रहा हूँ? तुम्हें इन सबके नॉर्मल बिहेवियर नजर नहीं आ रहा? बजाय इसके कि तारा को समझाएं, उसे उल्टा शह दे रहा। कौन किसको शह दे रहा बताओ? सची प्लीज, आप इस मामले से दूर ही रहें। वैसी आदत है पर का कब्बा बनाने की। देखिए सफू भाभी कैसे मुंह पे इल्जाम लगा रहा। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि तारा खफा होके गई है मैके। चलें अब बता ली, अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। चांद आप प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जुड़ी है। क्या बातें कर रहे हो आप, अभी आप गुस्से में हो, प्लीज अभी आप कुछ भी मत। यार मेरा दिमाग खराब हो गया और इन सब ने मिलके किया है। एक दूसरे से लड़ते रहो, सर फाड़ दो एक दूसरे का, लेकिन रहो एक घर में ही मिलजुल कर। पता नहीं कहाँ की फिलोसफी है ये। तुम मत रहना, जाओ बना लो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। जी। चांद चांद रुक जाओ, सफो अंदर आओ सब। प्लीज बाबू भैया जाने दो उसको, होश आ जाएगी कुछ दिन। चलो बाबू भैया जाने दो उसको। वो नहीं मान रहा तो तुम मान जाओ तारा। यार बात मानने या ना मानने की नहीं है, तो फिर तुम दोनों चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रही हूँ, वो कर रहा है। तुम बहुत बदल गई हो तारा। क्या बदल गई हूँ मैं? यार इतनी एनर्जेटिक फुल ऑफ लाइफ होती थी तुम, शादी के बाद बहुत सीरियस हो गई हो। यार पता नहीं क्यों हम शादी जैसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रिश्ते को इतना बोरिंग बना देते हैं। लाइफ को खुद इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है तारा, उसमें से खुशी के लम्हे हमें खुद निकालने पड़ते हैं। यार तो डॉक्टर तारा बेड नंबर 45। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर तारा एक बात पूछूं? जी जी आप भी पूछ लें। कोई गुड न्यूज नहीं आई अभी तक? गुड न्यूज हाँ है ना। अच्छा तभी सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टर तारा की तबीयत कुछ अपसेट लग रही है। अब आप उन सबको जाकर ये बता दीजिए कि डॉक्टर राजिया वापस आ रही है कुछ दिनों में, और यही है वो गुड न्यूज। ओह नो, तुम्हारे बाबा की सर्जरी हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेड 4 के पेशेंट से मिलकर आते हैं।
रिपोर्ट से उसकी ठीक आई है। चाय। I'm sorry। सारे नोट्स खराब कर दिए, मुझसे चाय भी नहीं ठीक से पकड़ाई जाती, कुछ भी नहीं होता मुझसे स्वीटू, I'm sorry। मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, चाय तक नहीं ठीक से पकड़ा सकती मैं। चची, इस कंडीशन में इतना हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रेस्ट तो कर रही है ना? और मेडिसिन भी ले रही है टाइम पर? क्या हुआ चची? कुछ नहीं तारा, वो तुम हमें कोई गायनेकोलॉजिस्ट बता दो जिसके पास मैं सफीरा भाभी को ले जाऊं। आज के बाद इनका चेकअप और सारी चीजें वही होंगी। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो तुम्हें घर की बड़ी बहू बनाकर इतना प्यार जो दे दिया। महनाज, फजूल बातें मत करो। भाभी, आज मुझे बोलने दो। कितनी बदतमीजी करके गया है चांद, बाबू भाई ने ठीक थप्पड़ मारा है उसे। क्या किया सारे ने? उसे लगता है कि हम तुम्हें भड़का रहे हैं ताकि तुम उसके साथ ना जाओ। लेकिन चची, आप लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। अभी कुछ कहा नहीं है तो इतना हंगामा करके गया, कुछ कह देते तो ना जाने क्या करता हमारे साथ। चले भाभी उठे, चले हम किसी और हॉस्पिटल चलते हैं। चले, बस चले। मेरी भी जबान चलती है तो रुकती नहीं है। क्या जरूरत थी सफो आंटी से इतनी बदतमीजी करने की? मुझे चाहिए तो मुझे ही देखने के लिए आई थी। क्या करूं, स्वीटू को कैसे मनाऊं? मैं क्यों सोच रही हूँ, फ्रेंड से पूछती हूँ। तुम्हें ड्राइंग बनाने को दी है, उसमें मसला हो रहा है। बना तो रहा हूँ सर। सर, वैसे आज मन्नू क्यों नहीं आई? उसकी आया वापस आ गई है। शुक्र है। एक बात बताओ, माला नजर नहीं आ रही। आप क्यों पूछ रहे? अरे दफा सर को चाय पीनी होगी ना। Exactly। आज चाय नहीं मिलेगी। क्यों? घर में भी बहुत टेंशन चल रही है। बेवकूफ, घर की बातें नहीं बताते। आज हमारे घर कुछ नहीं हुआ, आपको चाय मिलेगी। सो सही, चलो काम करो। सर आज मैथ नहीं। तुम्हारी इंग्लिश की जो टेस्ट था उसका क्या रिजल्ट आया? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। सर ये देखिए, मेरी ड्राइंग बनाई है। हाँ, सो सही। हाय गाइस, दिस इज रूबी मलिक। गाइस, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आपका स्वीटू आपसे खफा हो तो आप उसको कैसे मनाएंगे। अहमद जमाल कह रहे हैं कि उस पर लानत भेजें। तो इतनी बुरी बात है, आप किसी से अगर इतना प्यार करते हैं तो उस पर लानत कैसे भेज सकते हैं? नहीं, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है।
हाथ जोड़ के माफी मांगे। गाइस माफी तो ठीक है, लेकिन हाथ जोड़ना जरूरी है क्या? अच्छा थोड़ी लगेगा। और ऑप्शन दिए, फूलों का तोहफा दे, ग्रेट ऑप्शन, ये अच्छा है, लेकिन मैं इस वक्त फूल कहाँ से लेकर आऊं? लगता है स्वीटू आ गया। मैम आपके वॉशरूम की टूटी खराब है क्या? नहीं भाई, इस वक्त मेरा सिर्फ दिमाग खराब है। आपने कॉल नहीं किया था? आप उस नंबर पे ना फिर से कॉल करें, अगर मैं आई तो दोबारा आ जाइएगा, अभी मेरा सेशन चल रहा है। ओके। काम चेक किया आपने उस चांद के बच्चे का? अबे तुम तो काम चेक करो ना अपनी बैंड की टीम का। अरे उनकी तो लॉटरी निकल आई, चांद ने उनको कहा पूरे एक हफ्ते की छुट्टी करो, उन्होंने फोन भी बंद कर दिए। हैं क्या? फोन बंद करने का खुद कहा था चांद ने क्या? जी हाँ, उसी ने कहा था। वो तो मुचो वाला जो है ना, उसके हमसाये से मेरी बात हुई, उसने बात कराई मेरे बैंड वाले से। तो उसको बोलो ना ये मूछ कटवा कर कल आए वापस काम पे। अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा। अस्सलाम वालेकुम अच्छू। वालेकुम अस्सलाम। अरे सभी लोग फेल होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, तुमने अपना मुंह लटकाया हुआ खामखा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है देखो, वरना हंसते ना बंदा ऐसे हंसता है। तुम ऐसे हंस रही हो, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे ये ऐसे नहीं हंसते। क्या मसला है क्या है? अबे जो मुंह में आता है बक देता है यार। हाँ फेल होने का ताना देना जरूरी था क्या? जरूरी तो ये भी नहीं था जो हमारी बेगमात ने किया, चांद के सारे कारनामे तारा को बताएं। यार औरतों को सारी जिंदगी अकल नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, हमें इन औरतों की समझ में नहीं आती। हाँ वही वही ना, जाओ उसको फोन करो यार, जा बोल के काम पर आए। ओके रजिया, रजिया कितनी खामोशी है इस घर में, अपनी आवाज पलट के वापस आ रही। ताराबाजी कहती है घर नहीं कब्रिस्तान है। लेकिन आप कहाँ थी? मैं माली से काम करवा रही थी। अच्छा मुझे एक कप जरा ब्लैक कॉफी बना जी। अच्छा ताराबाजी की कॉल आई थी, वो आज थोड़ा लेट हो जाएंगी। अच्छा लेकिन उसकी तो कॉल नहीं थी आज। ठीक है। आई स्वेयर बाबूजान, मैंने सारे से कुछ भी नहीं कहा है। बेटा वो मेरी औलाद है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दिमाग की फिरकी घूम जाती है, खाम खा में टेंशन ले रही। बाबूजान फिर भी उसकी तरफ से ना मैं सॉरी कहती हूँ आपको। अरे तुम क्यों सॉरी कर रही हो, उसके मुंह में क्या छाले पड़े? आप सब वो छोड़े, आपको उस कारनामे के बारे में बताया किसने? हम तो सफू भाभी को लेके गए थे चेकअप के लिए हॉस्पिटल। नाज चाची मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बदतमीजी आप लोगों के बेटे करते हैं और आप लोग बातें सुनाने कहाँ पहुँचते हैं? बहू के पास, ये कौन सी साइंस है? हाँ ये बिल्कुल गलत साइंस है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारी पहले से ही बहुत परेशान थी। बाबू भैया मैंने तो मना भी किया था नाज को कि ना करे। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था चांद को कि हो सकता है हमारी बात समझ में नहीं आ रही, अपनी बीवी की आ जाए। अच्छा आप सब मेरी बात कान खोल कर सुन लें। हुकुम करें बाबूजान। चांद को ignore.com पर डाल दें, इतना इग्नोर करें कि उसे अपने होने पर शक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजान, कभी कभार हम रिश्तों और मोहब्बतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें तभी उसकी कदर होती है जब वो हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। कितनी समझदार है हमारी बहू, बिल्कुल गुल्लों की तरह है। इसी बात पर एक अच्छी सी चाय हो जानी चाहिए। बेटा माला चाय बनाओ, अच्छा है तुम्हारी भी प्रैक्टिस होती रही। हाँ नहीं वो मैंने कहा चाय बना ले सीख जाए। जाओ माला। हाँ शाबाश शाबाश। माला मैं तुम्हारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझसे मिलने आ जाओ, मैं पिन लोकेशन भेज देता हूँ। ओके बाय। कहाँ चला गया? देर हो गई यार। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. I'm going to be off from comments now.
मोहित। बाला, तू मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? सॉरी, बाबूजान के साथ ही घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। घर में सब ठीक तो है ना? वो चांद भैया और घर वालों के बीच में कुछ चीजें खराब चल रही है, पर आप क्यों कॉल पे कॉल कर रहे थे? मैं परेशान हो गया था। किस खुशी में? मुझे लगा तुमने घर में बात कर ली मेरे बारे में। आप ज्यादा ही फास्ट ही चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो स्पीड स्लो कर देता हूँ। देखिए मोहित, शादी जिंदगी भर का मामला है, दो चार घड़ी की बात नहीं है, सोचने का मौका तो दें। अभी भी सोचने की गुंजाइश है। अरे मैं अपनी नहीं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। तो बात करें ना उनसे। आपको बहुत जल्दी है। मुझे डर है एक बात का। किस बात का? आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है। हाँ, तो इसलिए अफरा तफरी मचा के अपना मामला सेट कर लेता हूँ। बा खुदा ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुकून.com करें ना, फैमिली से बात करके फाइनल बताती हूँ आपको। अच्छा मुझे चलना। ओके। नहीं बात सुने ना मेरी, चलें बैठ के चाय पीते हैं ना। वजह? आपके साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, आ जाए आप रही हो। ओके। कहाँ चली गई थी तू? जहाँ रोज जाती हूँ। वहाँ से तो 4 बजे निकल गई थी। तुम हॉस्पिटल गए थे क्या? नहीं, मैंने सनम को कॉल की थी, तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। हाँ वो मेरा फोन ऑफ हो गया है। लेकिन पता तो चलेगा कहाँ गई थी। घर। कौन से घर? कितने घर है मेरे? ये भी है वो भी है। शादी के बाद लड़की का सिर्फ एक ही घर होता है, और वो होता है उसका ससुराल। वो भी पता नहीं अब है कि नहीं। क्यों गई थी तुम चांदनगर? तुम्हारे फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए। ये लो पासपोर्ट। तुम्हारा पासपोर्ट? शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। मुझे ये समझ में आ गया है कि आइंदा से मुझे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सी जंग? वो जो तुम मेरे नाम के हथियार चलाकर आए हो वहाँ। भड़का दिया चाचीज ने तुम्हें। किसी ने नहीं भड़काया है मुझे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे नाम से किसी से कोई गलत बात नहीं करोगे। मेरा पासपोर्ट है तुम्हारे पास, जहाँ लेकर जाना है मुझे लेकर जाओ, लेकिन मेरी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद मत करो। तुमने बात भी कर ली अपनी बाऊजान से और मुझे अब बता रही हो? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने खुद ही हवा में उड़ता तीर पकड़ लिया। इस तीर से कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? इतनी छोटी मोटी चीजों से ना जख्मी होने वाले हैं नहीं मेरे बहादुर बाऊजान। अच्छा बताओ तो सही कि उन्होंने कहा क्या? कुछ नहीं, बस कहते कि अपने चचाज अपनी चचीज अपने बहन भाइयों को मना लो, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और ये सब कब मानेंगे? पहले मैं तो मान जाऊं। ये छोटे छोटे मिनी अटैक देने से अच्छा एक ही दफा मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं दे देती? आप भी फुल पोटेंशियल से खेल रहे। I like it. अगर आपको मसला लगता है तो फिर मैं रिवर्स गियर लगा देता हूँ। रिवर्स की गुंजाइश है? आपको तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास से कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फिर एक काम करें ना, ये बाकी की चाय ना घर जाके पी लिएगा, मुझे घर ड्रॉप कर दें। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज आप अपने घर जाके अपने घर वालों से बात करें। मोहित चलें? जी। सुटू कहाँ गए थे? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? कहाँ गए थे तुम? ये क्या है? देख लो खुद। चांद और मैं तारा।